हिस्ट्री यानी कि इतिहास। नाम सुनकर ही बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड फील करने लगते होंगे, इतने बड़े बड़े नाम, डेट, राज्य, उनकी व्यवस्था, शासन और ढेर सारी लड़ाइयाँ, आखिर इंसान कितना याद रख सकता है ना? बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो चलो एक बात बताओ, आपने पानीपत, तान्हाजी ये सब जैसी फिल्में को तो ज़रूरी देखा होगा, उसके किरदार आपको याद होंगे। मैं 100% बेट लगाकर आपसे ये कह सकता हूँ कि आपको उसकी कहानी भी याद हो गई होगी। तो इससे क्या समझ में आया? यही कि अगर आप हिस्ट्री को एक सब्जेक्ट के तौर पर ना देख बल्कि एक कहानी के तौर पर देखेंगे तो ये बहुत आसान लगने वाला है। तो चलिए, आज का हमारा ये वीडियो इसी के ऊपर है। आज हम इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री को एक अनोखे अंदाज में देखेंगे। अब इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? ये हमारी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यहाँ से शुरू होती है। जब वास्को डी गामा 1498 में यहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं, उस समय के बाद से जो भी हुआ है वो हम सारा का सारा आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो देखिए, सबसे पहली बात है ना कि मुग़लों से भी पहले यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो, चूँकि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई तो उन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी। अब रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से? तो इस वजह से वो लोग बाहर, अपने देश से बाहर, यूरोप से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। इसी कड़ी में वास्को डी गामा जो सबसे पहले थे, इन्होंने 1498 में कैलिकट, ये मालाबार कोस्ट पे है, और वहाँ पे उन्होंने 1498 एडी में वहाँ पे उन्होंने आया था। तो उस समय के जो वहाँ के लोकल रूलर थे जमोरी, उन्होंने ही उनका स्वागत किया था और उन्हें डायरेक्ट ट्रेड लिंक बिटवीन पुर्तगाल एंड इंडिया उन्हें मिल गया था। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ये पुर्तगाल यहाँ पे आए और जब वास्को डी गामा यहाँ पर आए, वो निकले थे अमेरिका की खोज में लेकिन पहुँच गए थे इंडिया, और इसीलिए उनके नाम पे ही जब भी इंडिया की खोज की बात आती है तो हम वास्को डी गामा का नाम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जब वास्को डी गामा यहाँ पे आए उसके बाद से यूरोपियन एडवेंट शुरू हुआ। तो लेटर ऑन डच आए, वो लोग इनसे पुर्तगाल के पास जो मालाबार कोस्ट था उन पे हमला करके उन्होंने छीन लिया, सेलोन को अपने अंदर में ले लिया जिसे आज वर्तमान श्रीलंका कहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे 17वीं शताब्दी आई, ब्रिटेन आया, फ्रांस आया, डेनिश आया, स्पेन आया, तो धीरे धीरे यूरोपियन जो कंट्री है वो धीरे धीरे इंडिया की ओर बढ़नी शुरू हो गई। लेटर ऑन देर वॉज अ स्ट्रगल ऑफ पावर बिटवीन दीज यूरोपियन नेशन एट फर्स्ट, आउट ऑफ विच ब्रिटेन इमर्ज विक्टोरियस। तो सबसे पहले शुरुआती के दौर में ये जितने यूरोपियन नेशन यहाँ पे आए थे, भारत में आए थे, तो सबसे पहले उन्हीं के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी कि यहाँ पे शासन कौन करेगा। तो शुरुआती दौर में पुर्तगीज और डच ने अपना यहाँ पे फुटहोल्ड किया था, लेकिन धीरे धीरे इनके भी जो फुटहोल्ड है वो समय के साथ इट डिमिनिशेस एंड लेटर ऑन बैटल ऑफ वंडीवास बिकेम्स फ्रांस फुटहोल्ड इन इंडिया। दस जस्ट ब्रिटेन वॉज सुप्रीम पावर हु गवर्न्ड अस टिल 1947। तो ये लोग, अब इसका एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि आखिर में ये जो भी
यूरोपियन आए थे तो उनका मेन एम जो था शुरुआती का जो एम था वो सिर्फ ट्रेड करना ही था. दे डिन कम इंडिया टू रूल. वो यहाँ पे आए थे कि हम यहाँ से ट्रेड करें और जाकर वहाँ पे अच्छा पैसा कमाएं. तो देखिए सबसे पहले जब वास्को डी गामा यहाँ पे आए थे आखिर इनकी लत कैसे लगी कि मैं इंडिया के पास इतना ये है रॉ मटेरियल इंडिया में हमें देखने को मिलेगा और अगर हम इंडिया से ट्रेड करेंगे क्योंकि उस समय यातायात इतनी अच्छी नहीं थी, यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी लाइक टुडे कि अभी प्लेन पकड़ लिए यहाँ से पुर्तगाल चल गए, स्पेन चल गए, फ्रांस चल गए, ब्रिटेन चल गए, बड़ा ही ईजी लगता है. तो उस समय बहुत दिक्कतें होती थी और उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत ही हुई थी. बहुत कुछ चेंजेस आने बाकी थे तो उस समय वहाँ से यहाँ पे व्यापार करने आना और यहाँ से व्यापार कर कर वहाँ जाना तो ये थोड़ा सा एक ऑड सा फीलिंग हो रहा था. तो आखिर ऐसा पूरे यूरोप के नेशन में ऐसा क्या हो गया कि लोग इंडिया की तरफ इतने रिस्क लेकर भी इंडिया की तरफ आने को तैयार थे. तो सबसे पहले पुर्तगाल यहाँ आए थे और वास्को डी गामा जब यहाँ पे 1498 में आए तो जो यहाँ के लोकल रूलर थे जमोरिन, ये उस समय के मेडिवल इंडिया के जो कोची कोड एक जगह है केरला में तो उसके हिंदू इरादी रूलर थे. इनको हिंदू इरादी रूलर कहा जाता था और ये उनको एक टर्म था जमोरिन. तो उन्होंने इनका स्वागत किया था वास्को डी गामा का और उन्हें स्पेशल ऑर्डर दिया था कि ठीक है आप इंडिया से और पुर्तगाल के बीच में एक ट्रेड लिंक स्थापित कर. अब यहाँ पे वास्को डी गामा करीब 3 महीने रहे और 3 महीने रहने के बाद वो यहाँ से एक पूरा वेसल लैडन लेकर गए, इंडिया से प्रीसियस फूड लेकर गए. और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जब उन्होंने इन सारे सामान को यूरोपियन मार्केट में बेचा तो उनकी जितनी कॉस्टिंग थी इस पूरे ट्रिप की जब उन्होंने पुर्तगाल से इंडिया आए, 3 महीने रहे और फिर वापस पुर्तगाल गए तो इसमें उनका जितना खर्चा लगा उससे करीब 60 गुना उन्होंने ज़्यादा पैसा कमा लिया था. तो यही चीज़ों को देखकर यूरोपियन एडवेंट और पुर्तगीज के मन में आया कि जब ये एक आदमी जाकर इतना पैसा कमा सकता है तो व्हाई डिडंट बी जस्ट पुट एन एम्पायर देयर. सो द स्टेट ऑफ पुर्तगीज ओवरसीज एम्पायर 106 ईयर्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट बिटवीन पुर्तगाल एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू सर्व एज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ पुर्तगीज फोर्ट्रेसेस एंड कॉलोनियल ओवरसीज. धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया तो 1503 AD के आसपास 1503 AD में पुर्तगाल ने यहाँ पे अपना सबसे पहला फोर्ट कोचीन में बनाया. समय और आगे बढ़ा, 1505 आते आते फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, ये एक आदमी का नाम है फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, इन्हें इंडिया का वाइसरॉय बनाया गया और उनके साथ ये कंडीशन दे दी गई कि आपको चार फोर्ट पुर्तगीज फोर्ट आपको इंडिया में बनाने हैं और वो कहाँ बनाने हैं, आपको साउथ वेस्टर्न इंडियन कोस्ट पे बनाने हैं. ये चारों साउथ वेस्टर्न इंडियन कोस्ट होंगे कौन कौन से, तो एक था अंजीडीवा आइलैंड, दूसरा था कैनानोर, तीसरा कोचीन और चौथा क्विलोन. धीरे धीरे जब समय बढ़े तो 1509 आ गया, 4 साल के बाद एल्मीडा फर्स्ट पुर्तगीज तो जो कि बॉम्बे पहुँचे. उसी समय उनकी एक लड़ाई हुई थी डिसेसिव डिफीट ऑन अ जॉइंट फ्लीट ऑफ मामलुक बुर्जी जो इजिप्ट के सुल्तनत थे, ऑटोमन एम्पायर, जमोरिन ऑफ कैलिकट एंड सुल्तान ऑफ गुजरात. जब इनकी धीरे धीरे जब ये लोग फोर्ट बनाने लग गए तो इंडियन शासकों के बीच में भी थोड़ा सा ये होना शुरू हो गया कि हम इनसे खतरा होगा हमें. तो इसी कड़ी में इनकी एक सामूहिक लड़ाई हो गई जिसमें कि जमोरिन ऑफ कैलिकट, सुल्तान ऑफ गुजरात, ऑटोमन एम्पायर उस समय बहुत बड़ा विशाल एम्पायर था और इजिप्ट के सुल्तान थे मामलुक बुर्जी, तो ये चारों एक साथ
हमला किया पोर्टुगेज जो इंडिया में थे, और पुर्तगाल ने नेवल सपोर्ट मांगा रिपब्लिक ऑफ वेनिस से और रिपब्लिक ऑफ रागुसा से, और इनकी मदद से इन्होंने इन चारों की सम्मिलित शक्ति को हरा दिया था। और किसने हराया था? फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, जो कि फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, पुर्तगीज फर्स्ट वाइसराय टू इंडिया थे। 1510 ईस्वी में अफांसो डी अल्वर को इंडिया का वाइसराय बनाया गया था, और 1511 ईस्वी में इन्होंने सिटी ऑफ मलक्का आइलैंड को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद 1515 में इन्होंने हार्मज, जो कि पर्शियन गल्फ में के मुंह पे है, उसको इन्होंने जीत लिया था। और उस जीत के जो विजेता थे वो उस समय के वाइसराय थे, जिनका नाम था अल्बर्ट, और इसी समय इनकी मृत्यु भी हो जाती है। कुछ समय के बाद 1526 आते आते उन्होंने मैंगलोर को भी ले लिया था, और उस समय वाइसराय लोको वॉच दी सैम्पियो थे। 1530 ईस्वी में इन्होंने गोवा को अपना कैपिटल सिटी बना लिया। 1535 में इन्होंने दीव पे, जो अभी आप दमन दीव का नाम सुनते हैं, तो दीव में उन्होंने 1535 ईस्वी में कब्जा कर लिया। 1559 ईस्वी में इन्होंने दमन पे कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे इनकी जो भी प्रोग्रेस थी वो आगे बढ़ती गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विद इन 50 ईयर्स दे कैप्चर 60 माइल्स ऑफ लैंड ऑफ गोवा, इंक्लूडिंग 30 माइल्स इनलैंड लैंड। ये कहाँ से शुरू होता था? नॉर्थवर्ड फ्रॉम मुंबई टू दमाउ दीव दे अप्रोचेज गुजरात। तो एक साइड से पूरा हमारा पश्चिमी जो भारत का एरिया था, फ्रॉम गुजरात टिल कोचीन केरला, ये सारा इनका अंदर था। दक्षिण की ओर भी ये कब्जा किए थे, बट दे वेर वेरी लूजली लिंक्ड चेन, और जैसे इनमें इनौर था, बार्सेलर था, मैंगलोर था, कैनोर था, कोचीन था। इस पूर्व में भी इन्होंने अपना मिलिट्री पोस्ट और सेटलमेंट बनाया था, नेगापट्टिनम में बनाया था, इन्होंने सैंथूम में बनाया था। 16वीं शताब्दी की जब ख़त्म होने को आई, तो हुगली वेस्ट बंगाल, जो कि उस समय का सबसे वेल्दी सेटलमेंट था, वहाँ भी इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट रूल ओवर लोलैंड ऑफ सेलोन, जिसे वर्तमान श्रीलंका कहते हैं, वहाँ पे आया था। और शुरुआत में ये जितने भी पुर्तगीज थे, उन्होंने क्या किया था ना कि एक्चुअली दे स्टार्टेड विथ अ लिबरल अप्रोच, सो दे डिडंट यूज वेस्टर्न पॉलिसी, दे अबैंडन देयर वेस्टर्न पॉलिसी। उन्होंने पर्शियन के, मुगल के, डेक्कन जो रूलर थे, उनके पावर को पहचाना, और उनसे कभी समझौता, मतलब उनसे समझौता करके ही चलते थे। आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये सब सारा जितना एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा एरिया ये पुर्तगाल के द्वारा ही लिया गया है। और यहाँ पे इन सारे एरिया पे पुर्तगाल का एक समय शासन था, जब ब्रिटेन और अदर यूरोपियन एडवेंट यहाँ पे नहीं आए थे, मतलब सबसे शुरुआती दौर पे। तो इनकी जो पॉलिसी थी वो बहुत हॉस्टाइल पॉलिसी थी, ये बहुत कम संख्या में थे यहाँ पे, और इनका जो प्राइमरी फोकस था वो एज अ ट्रेड था। इन्होंने जैसे इन्होंने हॉस्टाइल पॉलिसी रखी थी, तो इन्हें भी इंडियन जो रूलर थे उस समय के, उन्होंने इसे पुर्तगाल को भी फुल फ्रीडम दे रखा था कि ठीक है, आप आओ हमारे यहाँ व्यापार करो, अब जाओ। और ये रेगुलर एक्सचेंज ऑफ इन्वॉइज एंड अम्बेसडर इनके बीच में होता था। तो पुर्तगाल जो थे यहाँ, इंडिया को अपना फादरलैंड मानते थे, और वो यहीं पे बस गए थे, वो फिर पुर्तगाल की तरफ देखना नहीं चाहते थे। जब भी कोई ट्रीटी हुई, जैसे दक्कन सल्तनत के साथ हुआ था, विजयनगर अम्पायर के साथ हुआ था, तो उनके बातों को तवज्जो नहीं दी जाती थी, उनको ना वीकर साइड रखा जाता था। ट्रीटी ऑफ गोवा हुई थी दक्कन सुल्तान और पुर्तगीज के बीच में, ये 1560 ईस्वी में हुआ था। उसी तरह 1566 में इन्होंने पुर्तगीज और तर्क के बीच में भी एक ट्रीटी हुई थी, और 1570 में दक्कन सुल्तान और पुर्तगीज के बीच में हुई थी। जब ये गोवा को 1530 ईस्वी में इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बना लिया था, तो
गोवा में ये अपने आप को लोकल ज़मींदार के तौर पर विकसित किए और उस पूरे एरिया को उन्होंने फिर डेवलप भी करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिंचाई के इरिगेशन फैसिलिटीज़ में बहुत सारे डेवलपमेंट किए, नए नए रोड बनाए, नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। लाइक उस समय इंडिया में पोटैटो, आलू जो आज हम खाते हैं वो बेसिकली इट्स नॉट एन इंडियन फूड। पोटैटो को पुर्तगाल ने ही इंडिया में लाया था। कैशियो, टोबैको, तो इन सब सारे न्यू क्रॉप्स को इंडिया में पुर्तगाल ही ने लेकर लाया था। फिर कोकोनट का न्यू वेराइटी उन्होंने ही लेकर आया था। तो ये सब गोवा नॉर्थ या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र का इलाका था वहाँ पे ये लोग लोकल ज़मींदार बन गए थे और धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहे थे और उससे अपना जीवन यापन कर रहे थे। शहरों की बात की जाए तो शहरों में ये इधर आर्टिसन थे और या फिर मास्टर क्राफ्ट्समैन के तौर पे काम कर रहे थे और इनकी बहुत ही रिच कल्चर थी उस समय। फॉर अस इंडियन वी वेयर हैविंग अ वेरी लार्ज गैप बिटवीन देम एंड अस। उनकी कल्चर कुछ और थी, उनकी वेस्टर्न कल्चर थी एंड वी वेयर वेरी ऑर्थोडॉक्स दैट टाइम। तो धीरे धीरे उनकी कल्चर भी इंडिया में आने लगी, उनका आर्ट और म्यूजिक जहाँ पे वो रहे वहाँ पे देखने को मिला। ऑन मिलिट्री फ्रंट दे डिफेटेड कॉन्जॉइंट अटैक बाय सुल्तान ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, जमोरिन ऑफ कलकत्ता। तो ये सब 1569 में हुआ था। इससे पहले भी उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी जो कि अभी मैं आप लोगों को बताया था आगे, कि इससे पहले भी उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी 1509 ईस्वी में, जिसमें कि उन्होंने इजिप्त के जो सुल्तान थे मामलुक बुर्जी, ऑटोमन एम्पायर, जैमुरिन ऑफ कैलिकट और गुजरात के सुल्तान, इन चारों की संयुक्त फ्लीट से, जॉइंट फ्लीट ऑफ ऑल दीज फोर्स, सल्तनत ऑफ इजिप्ट, ऑटोमन एम्पायर, जैमुरिन ऑफ कैलिकट एंड सुल्तान ऑफ गुजरात, तो इनकी एक जॉइंट फ्लीट से इनकी लड़ाई हुई थी। एंड विद द हेल्प ऑफ नेवल सपोर्ट फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ वेनिस एंड द रिपब्लिक ऑफ रैगुसरा दे डिफीटेड हिम। एंड एट दैट टाइम द गवर्नर और द वाइसरॉय हु वाज अपॉइंटेड एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। उनकी मदद से ही, इट वॉज विद देयर एड दैट लुजनिट गवर्नमेंट ऑफ साउथ लास्टेड फॉर अराउंड 150 ईयर्स। इनकी लड़ाई भी हुई जिसमें कई बार पुर्तगाल को हार का भी सामना पड़ा, और सही एक लड़ाई है मराठा के साथ जो कि 1735 में हुई थी एट बेसिन, और जहाँ पे ये मराठा से हार गए थे। फिर धीरे धीरे जब डच आ गए तो डच ने इनसे लड़ाई करके मालाबार का जो आइलैंड था जो इन्होंने जीता था उन पे कब्जा कर लिया। इनकी जो मिलिट्री फ्रंट पे थी तो इन्होंने सबसे पहले बॉडी आर्मर का उपयोग किया था, फिर सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग बॉडीज ऑफ इन्फेंट्री जो कि एक स्पेनिश मॉडल है उनका उपयोग किया था इन्होंने टू काउंटर डच। जब ये मिलिट्री फ्रंट की बात है, और जब नेवल फ्रंट की बात आती है तो जितने भी यूरोपियन एडवेंट इंडिया में अब तक आए थे और आज तक रहे तो उनमें ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर थे। एट सी दे वेयर सुपीरियर टू एनी ऑफ देयर राइवल्स और काउंटर पार्ट। यूज ऑफ कैसल प्रो एंड स्टेन वॉज न्यू एंड दैट वॉज बींग डन बाय पुर्तगाल ओनली। फिर जब ट्रेड की बात करते हैं तो पुर्तगाल ने इंडिया को, जैसे उस समय जब ये चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रही थी, तो यूरोपियन एडवेंट वॉज नॉट ओनली टू इंडिया, तो ये पूरे एशियन, अफ्रीकन, इवन लैटिन अमेरिका और अमेरिका में भी इनके कुछ ना कुछ सेटलमेंट्स थे। तो उसी तरह पुर्तगीज का जो एक सेटलमेंट था वो ब्राज़ील में था, अदर अफ्रीकन नेशन में था। तो उन्होंने क्या किया, पुर्तगाल ने क्या किया कि ये उनकी कैपिटल थी लिस्बन, और लिस्बन से इन्होंने इंडिया को ना सिर्फ ब्राज़ील और अदर अफ्रीकन नेशन से जोड़ा बल्कि ये इंडिया को अफ्रीका, अमेरिका और अदर एशियन मार्केट से भी जोड़ दिया। तो इस बेस पे इन्होंने कमर्शियल रिवॉल्यूशन के एक टाइप से इन्होंने कमर्शियल रिवॉल्यूशन क्रिएट किया।
जिसमें कि ग्लोबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हो रहा था। मतलब बेसिकली इंडिया को इन्होंने अपने हर एक सेटलमेंट से जोड़ा, इन्होंने यूरोप से जोड़ दिया इंडिया को, अफ्रीका से जोड़ दिया इंडिया को, लैटिन अमेरिका अमेरिका से जोड़ दिया इंडिया को। ऑल्सो ये इंडिया को इनके नज़दीकी एशियन मार्केट से भी जोड़ दिया। तो अल्टीमेटली ये पूरी तरह से कमर्शियल रिवॉल्यूशन हो गया, जैसे आज के देश में आज के टाइम में हमारे साथ हो रहा है कि WTO के एक संस्था है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर ऑल बाउंड टू हिम देम टू दिस इंस्टीट्यूट WTO एंड इसमें है कि वी कैन डू आर ट्रेड विद एनी ऑफ द नेशन हु इज अ पार्ट ऑफ WTO। सो आज के समय में अगर हमें कोई सामान लेना है तो वी कैन बाई डायरेक्टली फ्रॉम अमेरिका, कैनेडा, ब्रिटेन, पुर्तगाल, चाइना और इवन पाकिस्तान। सो ये उन्होंने पुर्तगीज ने बहुत पहले कर रखा था, उन्होंने पूरे इंडिया को और मतलब उनके जितने कॉलोनी थे, जितने उनके सेटलमेंट थे, सबको एक के तौर पे जोड़ रखा था एंड दैट वॉज अ प्योरली कमर्शियल रिवोल्यूशन। धीरे धीरे जब डिमांड बढ़ने लगी तो दे लॉट सिनेमन पीपल इन साउथ और जूट का बढ़ावा उन्होंने दिया कि ठीक है बंगाल में जूट बहुत अच्छे से होता है, इसलिए जूट की खेती की जाए बंगाल में। ये सबसे पहले स्पाइस मार्केट इंडिया में इन्होंने शुरुआत किया था और एक समय यूरोप के लीडर थे स्पाइस में, बट लेटर ऑन डच बिकेम नंबर वन इन स्पाइस, क्योंकि इनका सिर्फ एक एरिया पे कब्जा था। इंडिया में सिर्फ साउथ इंडिया में मसाले की खेती होती थी, बट जब डच यहाँ पे आए तो उन्होंने स्पाइस कंट्री पे ही कब्जा कर लिया, दैट इज़ इंडोनेशिया। और वहाँ चूँकि जब एक कंट्री पे कब्जा हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे ज़्यादा स्पाइसेस होंगे एंड लेटर ऑन डच बिकम नंबर वन इन स्पाइस मार्केट। आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो पुर्तगाल जो थे वो अपने साथ ढेर सारे जो उनके कल्चर थे, आर्ट थे, उनको लेकर इंडिया में आए। सो इंडिया एंजॉयड बेनिफिट इन फ्लोरा एंड लैंग्वेज। सो फॉर प्रमोटिंग क्रिश्चियनिटी यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज सच एज संथाली एंड मराठी वाज यूज्ड। उन्हें यह आभास हो गया कि पुर्तगीज की अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो वी कैन नॉट प्रमोट आवर रिलीजन दैट इज़ क्रिश्चियनिटी, सो संथाली और मराठी का ही उपयोग करो, क्योंकि दे वे आर इन टू दैट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया वेयर अ ह्यूज पॉपुलेशन जस्ट स्पीक संथाली और मराठी। इन अ स्कूल उन लोगों ने यहाँ पे स्कूल भी खोला एंड इट वॉज मेड कंपल्सरी दैट पुर्तगीज एज अ लैंग्वेज मस्ट बी टीच देयर। सो इन स्कूल पुर्तगीज वॉज एन एसेंशियल सब्जेक्ट। सो इन आर्ट एंड म्यूजिक पुर्तगीज नॉट इंट्रोड्यूस नैरोली ऑफ पुर्तगाल बट इट वॉज अ मिक्स यूरोपियन। तो पुर्तगीज जब आर्ट म्यूजिक और कल्चर की बात करते हैं तो सिर्फ उन्होंने पुर्तगाल का कल्चर और जो उसकी म्यूजिक है उसको यहाँ पे लॉन्च इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बट उनके जो आर्ट एंड कल्चर थे वो उसमें पूरा हमें एक मिक्स यूरोपियन देखने को मिलता है। तो जब पुर्तगाल में जब इस्टेब्लिश हुई थी रॉयल फैक्ट्री ऑफ अंटवर्प, तो इसमें पुर्तगाल में खुद में ही फ्लेमिश और इटालियन आर्ट का एक अनूठा संगम देखने को आया एंड बेस्ड ऑन दैट उनका जो आर्ट एंड कल्चर था जो इंडिया में उन्होंने लाया तो उसमें एक मिक्स यूरोपियन देखने को हमें मिलता है। लाइक आप अगर देख सकते होंगे, अगर आप देखने को कहीं मिले आपको, तो जो पुर्तगाल गोवा में जो उन्होंने संत कैथेड्रल बनाया है, चर्च बनाया, तो आप देखेंगे कि बड़ी ही सिंपल डिज़ाइन होती है। अब इनकी डिक्लाइन जब होने लगी कि 17वीं शताब्दी के आसपास, एक तो इन्होंने इनका जो डच आए तो डच से इनकी लड़ाई हमेशा होने लग गई, और जब डच यहाँ पे आए तो उन्होंने सबसे पहले इंडोनेशिया पे कब्जा कर लिया, इनको स्पाइस में नंबर टू कर दिया, फिर उन्होंने कोचीन को सीज करके उन्होंने मालाबार इनसे छीन लिया, ब्रिटिश आए उन्होंने सूरत को पुर्तगीज से छीन लिया, मलक्का फोर्ट को डच ने छीन लिया 1641 में,
श्रीलंका इनके हाथ से चली गई 1659 में, मालाबार को उन्होंने 1663 में जीत लिया। तो बेसिकली जो पोर्टुगेज थे दे कुडंट कॉन्कर इंडिया बिकॉज ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1500 टू 1650 द पोर्टुगल वाज वेरी पावरफुल ग्लोबली, बट इंडियन पावर्स एंड देयर एलाइज वेर पावरफुल टू एंड वुड नॉट लेट पोर्टुगल गेन मोर देन अ फुटहोल्ड ऑन द कोस्ट। तो बेसिकली जब न्यूमरस अटैक जब होने लगे इनके ऊपर डच के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इनके सेवरल मिलिट्री आउटपोस्ट देवर मेयरली लूजिंग, सो द कॉमर्शियल पोस्ट ऑफ गोवा वेंट वॉस। स्पाइस बिजनेस जो इनके हाथ में था और जिसे ये सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, दैट वॉज टेकन ओवर बाई डच। सो एट दैट केस गोवा वॉज सुपरसीडेड बाई ब्राज़ील एज इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ओवरसीज एम्पायर ऑफ पुर्तगाल, क्योंकि अब उन्हें फिर यहाँ पे लगा कि अब यहाँ पे हमें रहना और व्यापार करना इट्स नॉट अ बेनिफिशियल थिंग, सो दे जस्ट कंट्रोल देयर इमोशन इन इंडिया, दे वेयर जस्ट कंट्रोल देयर ट्रेडिंग इमोशंस इन इंडिया एंड इमर्ज देमसेल्व इन ब्राज़ील एंड मेड ब्राज़ील एज एन इकोनॉमिक सेंटर ऑफ पुर्तगाल। उसके बाद गोवा को भी मराठों ने जीत लिया था दो नेवल अटैक के बाद। सो लेटर ऑन बींग थ्रीटन बाई राइवल्स एंड न्यूमरस अटैक्स, सो पुर्तगाल ऑल्सो फॉलोड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी एंड देर आफ्टर द कंट्रोल ओवर बाइकोलिम, पोंडा, परनेम, सतारी टू नेम अ फ्यू, सो दे जस्ट कैप्चर दीज ऑल एरियाज एंड टिल 19 December 1961, इवन आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, दैट इज ऑन 15th of August 1947, दे वेर द लास्ट टू लीव इंडिया एंड स्टिल यू कैन गेट सम कॉलोनी और समथिंग लाइक दैट। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट जो पोर्टुगीज थे दे बिलीव और वो इंडिया को एज अ फादर लैंड के तौर पे मानते थे, सो वो आज भी उनकी छवि आपको देखने को मिलेगी गोवा में, उनकी आर्ट, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, दे ऑल आर फॉलोड टिल नाउ इवन इन 2020 इन गोवा। सो